हुआ यूं कि एक डिजिटल क्रिप्टो प्रेमी ने वैलेंटाइंस डे पर अपनी इथेरियम को कुछ यूं प्रपोज किया। सुनो मेरी आवाज, मेरी सांसें और मेरी ये व्हाट्सएप पर लगी डीपी ना, आज से तुम्हारी कॉपीराइट है, आज से सब तुम्हारा है, क्योंकि मैं बन जाना चाहता हूं तुम्हारा एनएफटी। उम्मीद है डिजिटल क्रिप्टो प्रेमी समझ गए होंगे कि आज का एपिसोड एनएफटी पर होने वाला है। चलिए मेरे पॉडकास्ट प्रेमियों को आसान भाषा में समझा देता हूं कि एनएफटी है क्या। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरी टेलर अमित टेक स्टोरीज के नए एपिसोड में। उम्मीद है आपको पिछला रिकमेंडेशन वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा। हुआ यूं कि हम 90s के किड्स जो थे ना, यूं कहते थे यार शाहरुख का ऑटोग्राफ मिल जाए ना, सलमान का मैंने प्यार किया वाला जैकेट मिल जाए तो इतना अच्छा लगेगा। सेल्फी जनरेशन किड्स यूं बोलते थे यार सुशांत की सेल्फी होती ना तो सबको दिखाता। वैसे आज की क्रिप्टो जनरेशन हमेशा आर्टिस्ट की एनएफटी प्रॉपर्टी की डिमांड करने लगी है। इंजीनियर्स तो एनएफटी का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, तब मिलता था जब सारे सब्जेक्ट्स अटक जाते थे और टेक्निकल इंग्लिश के साथ मर्सी भी हो जाते थे तो कहा जाता था यू आर नॉट फिट फॉर टेक्निकल। पर उन्हीं एनएफटीज ने कुछ एक ऐसा एनएफटी बनाया 2015 में अगस्त में, जिसे हम पहली बार इथेरियम ब्लॉकचेन बेस्ड एनएफटी कह जाने लगे। चलिए बात करते हैं इस एनएफटी टर्म की थोड़ी डिटेल में और आसान भाषा में। हर इंसान चाहता है कि मेरे पास जो चीज हो जरा एंटीक हो और यूनिक भी हो। जैसे कोई प्राचीन चीजें का कलेक्शन रखना चाहता है, किसी ने डाक टिकट जमा किए, और मजे की बात है हम सब या तो कोई दोस्त या सहयोगी के साथ मिलकर उसे एक चीज दे देते थे और जुगाड़ कर लेते थे डाक टिकट की या किसी एंटिक आइटम की। लेकिन आज के इस डिजिटल दुनिया में बॉस सब कुछ पैसे से मिलता है, और तो और हम सब ने उसे टेक्नोलॉजी का चोला चढ़ा दिया है और कहने लगे हैं डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी, जिसको बनाने में ब्लॉकचेन बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ब्लॉकचेन के ऊपर एक सीरीज होने वाली है जिसमें डिटेल में बात होगी। वैसे आजकल यूनिक डिजिटल असेट बनाने की होड़ में हर क्रिएटर, एक्टर, आर्टिस्ट अपने आर्ट को डिजिटल रूप में ओनरशिप देने के लिए अपनी खुद की एनएफटी बना रहा है, जिसे पूर्णतः ओनर खरीदने वाले पे ही का ही अधिकार होने वाला है। तो टेक्निकली बात करते हैं, एनएफटी स्टैंड्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन, विच बेसिकली मींस दैट इट इज अ वन ऑफ काइंड डिजिटल असेट दैट बिलोंग्स टू यू एंड यू ओनली। मोस्ट पॉपुलर एनएफटीज राइट नाउ इंक्लूड आर्टवर्क, म्यूजिक, बट कैन ऑल्सो इंक्लूड वीडियोज, ऑडियोज एंड इवन ट्वीट्स। अब बात करते हैं फंजिबल और नॉन फंजिबल आइटम्स या टर्म की। नॉन फंजिबल आर मोर लाइक मोर और लेस मीन्स दिस यूनिक एंड कैंट बी रिप्लेस विद समथिंग एल्स। जैसे कि माता पिता का प्यार बहुत यूनिक होता है जो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, और यूनिक आइटम है हमारे लिए। आइटम नहीं है, यूनिक इमोशन है जिसपे हम कोई किसी और के प्यार से रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब एक तरह का नॉन फंजिबल चीज है। बात करते हैं फंजिबल आइटम की। जैसे कि आपने किसी को 500 का नोट दिया और आप चाह रहे हैं उससे कि 500 के छुट्टे दे, तो हो सकता है 100 के नोट दे, या उसके पास 500 का नोट नहीं है तो वो दूसरा 500 का नोट निकाल के वापस से आपको दे डाले। इस तरह के डिजिटल करेंसी जिन्हें हम कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए अदला बदली करके इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं फंजिबल टोकन्स। बिटकॉइंस एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज आर मोस्ट प्रोमिनेंट यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दीस डेज एंड दे आर टर्म्ड एज फंजिबल टोकन्स ओनली। If you send somebody a Bitcoin and they send you one back, it does not have to be the same Bitcoin, just as with the 500 note rupee ka note jo humne baat ki thi. Ab baat karte hain NFT kaam kaise karta hai. Adhiktar NFT Ethereum blockchain based technology par kaam karte hain. Ethereum is a cryptocurrency like Bitcoin or Dogecoin, but it is a blockchain based and supports NFTs only. Other technical terms, even other bitcoins and digicoins also working on NFT. ऐसा नहीं कि NFT वर्जन सिर्फ इथेरियम का ही है। चलिए अब बात करते हैं, इस डिजिटल दुनिया में लोग हर चीज पैसे के बल ही खरीदना चाहते हैं, तो NFT कैसे खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं? वो दिन दूर नहीं जब लोग अमिताभ बच्चन के ट्वीट भी NFT के रूप में खरीदना चाहेंगे। यार गजब हो गया है ना, सेलेब अपनी इज्जत, अपने जज्बात और पता नहीं क्या क्या बेचेंगे। और मजेदार बात है कि हम खरीदार खरीदने को तैयार हैं और खरीदते फिर हम भी ट्वीट कर देंगे कि देखो अब अमिताभ वाला ट्वीट मेरा है, और कोई खरीदना चाहता है तो उसको बेच भी डालेंगे। मुझे लगता है अब हम डिजिटल वर्ल्ड में लोग इमोशंस को भी ना कुछ अलग तरीके से संभालना चाहते हैं। पहले एनालॉग फोटो रखते थे, अब डिजिटल आर्ट के रूप में कलेक्शन रखना चाहेंगे।
मैं सिर्फ आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नया रूप दिखा रहा हूँ। मुझे तो हर तरह के टेक्नोलॉजी रूप हमेशा से आकर्षित करते रहे हैं। इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। चलिए अब इसी के बिजनेस रूपी फायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं। आर्टिस्ट तो बेचारा होता है ना, उसका आर्ट सेल करना चाहता है, तो वो चाहेगा मार्केट प्लेस पे जाए और अपने आर्ट को NFT के रूप में प्लेस करे, ताकि कोई भी खरीददार चाहे तो उसे खरीद ले और अपना कॉपीराइट बनाकर कहीं भी पोस्ट कर सके और बता सके कि अब ये प्रॉपर्टी मेरी है। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे प्रश्न भी होंगे, जिनका जवाब हम आगामी ब्लॉकचेन के सीरीज में करने वाले हैं, जहां बात होगी कैसे बनते हैं NFT, आप भी बना सकते हैं अपना NFT। सच कहूं, आज ये मशीन लर्निंग ने रेकमेंड कर दिया था, टॉपिक ट्रेंडिंग में भी था, ऑडियंस को भी पसंद आएगा, इसलिए NFT टॉपिक कवर किया। चलिए आज के इस बाइट साइज पॉडकास्ट को यहीं विदा लेता हूं। तो लेता हूं आपसे विदा, तब तक आप मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरीज का मजा लेते रहें, सुनते रहें डीप स्टोरी टेलर अमित को, टेक स्टोरीज गाना JioSaavn, Spotify और anchor.fm/IoTAmit पर वॉइस मैसेज भेजना ना भूलें। Instagram पे तो फॉलो करते हैं @podcasteramit।